अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सना मक्की के पत्तों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों सना मक्की को इंग्लिश के अंदर सेना लीव्स बोला जाता है और दोस्तों इसके अलावा सेना ट्री लीव्स भी बोला जाता है। और दोस्तों मिजाज के अंदर ये गर्म खुश्क है और दोस्तों नेटिव तौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा उगता है। और दोस्तों आपको सना मक्की के पत्ते जो है आपको हर जो है छोटे मोटे पंसारी शॉप से, ऑनलाइन हर्बल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के अंदर। दोस्तों झाड़ी नुमा दख के एक ट्री के पत्ते होते हैं, इसके पौधे के ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मौत का इलाज किया जाता तो सना मक्की पत्ते के साथ किया जाता, यानी ये देखेंगे कितनी बड़ी बात है। दोस्तों सना मक्की के कितने बेनिफिट्स होंगे जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दी है। दोस्तों सना मक्की के पत्तों का ज्यादातर पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी चाय बना के पी जाती है, इसके कहवा बना के पिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो ज्यादातर इस्तेमाल है कब्ज के हवाले से किया जाता है, ऐसे अफराज जिन्हें पुरानी कब्ज रहती है, आंतों के अंदर जिनकी सोजिश होती है, और दोस्तों जिन्हें चार चार पाँच पाँच दिन अजाबत नहीं होती उनके लिए बेहतरीन है, संग्रहने के लिए भी बेहतरीन है, यानी पेट के अंदर आंतों के अंदर कोई जख्म हो गए, कोई सोजिश है, मैदे के अंदर कोई जख्म है तो उसे ये ठीक करती है। दोस्तों पुरानी से पुरानी और गंदी से गंदी बवासीर को भी सना मक्की के पत्ते ठीक करते हैं। और दोस्तों कोई नसूर है आंतों के अंदर भंगंडर बना हुआ है तो इसे सना मक्की के पत्ते जो है ठीक करते हैं। और दोस्तों दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है और दोस्तों बंद शरियानों को खोलती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सतह पे लेकर आती है। दोस्तों इसके जो पत्ते एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, बेहतरीन पेन किलर है, जिसमें किसी भी हिस्से में अगर आपका दर्द हो रहा है, पेन हो रही है तो जस्ट इसका कहवा बना के पी लें तो आपको अफाका हो जाएगा। और दोस्तों सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ उसके अंदर भी इसका इलाज किया जाता है, सर्दी से होने वाले नजला जुकाम को ये दूर करती है, ऐसे अफराद इनका अक्सर नाक बंद रहता है, छाती के ऊपर रेशा जमा हुआ होता है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है, बलगम को निकाल बाहर करती है, बलगम की ये दुश्मन है, तो जिसम में से जहरीले असरात को, जहरीले मादों को पेशाब के रस्से खारिज करती है। और दोस्तों जिसम को पाक साफ करती है और दोस्तों खून को भी ये साफ करती है। ऐसी खवातीन जिनके जिल्द बहुत ज़्यादा ख़राब है, दाने निकलते हैं, कील मुहासे छाइए, अगर वो इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, इसका कहवा बना के पिए तो उनकी स्किन साफ हो जाती है, तो दिल से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, चेहरा निखर जाता है। चले दोस्तों ये तो थे सना मक्की लीव्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तरह। और दोस्तों सना मक्की के जो पत्ते होते हैं टॉक्सिक असरात रखते हैं तो इसे डेली इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी हफ्ते के अंदर एक दफ़ा इसकी चाय ले लें बेहतरीन है, मैक्सिमम से चार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें महीने के अंदर, यानी हर हफ्ते आप इसका एक चाय का कप बना के पी सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आप 5 से 6 पत्ते ले लें या 1/4 टीस्पून एक कप पानी के अंदर इसे जोश दे के पी लें तो आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, इसे रूटीन का हिस्सा मत बनाएं, अगर आप इसे रूटीन का हिस्सा बनाएंगे और दोस्तों सना मक्की के पत्ते आपके गुर्दे ख़राब कर देंगे, जिगर आपका ख़राब कर देगा, पेट के अंदर शदीद मरोड़ हो सकता है, इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से, डेली इस्तेमाल करने से आपको डायरिया हो सकता है। और दोस्तों ऐसे हजार के लिए सख्त नुकसानदेह जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो ऐसी खवातीन के लिए सख्त नुकसानदेह जो हमल से हैं या बच्चों को अपने दूध पिलाती हैं, तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं, आपका बच्चा ज़ाया हो सकता है। और दोस्तों इस वजह से सामला खवातीन इससे दूर रहें तो बेहतर है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सना मक्की यानी सेना लीव्स के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद आपका कोई सवाल है सना मक्की के पत्तों के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मजीद किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या कोई बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल मसला या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जोली अजीम को इजाजत दे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।